सावन की हरियाली में बसी शिव की मूरत है। सावन की हरियाली में बसी शिव की मूरत है। भक्ति में डूबे भक्तों के मन की सूरत है। हर हर महादेव का नारा लगाते हैं सब। शिव के चरणों में हर मुश्किल आसान लगती है। शिव के चरणों में हर मुश्किल आसान लगती है। सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन मास में बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। और सावन मास का क्या महत्व है, क्यों इतना पवित्र माना जाता है सावन मास, आज आप पौराणिक कथाओं के अनुसार जानेंगे कि क्यों सावन मास को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शुरू करने से पहले सभी महादेव भक्तों से विनती है, यदि आप महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन मास में ही घोर तप करके महाराज शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होने के कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल जाते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम उपाय है सावन मास। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराणों में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह चार महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव माने जाते हैं। कहते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो सोमवार व्रत हो या 16 सोमवार व्रत हो या फिर प्रदोष व्रत हो, आप सावन के माह से ही शुरू करें, क्योंकि यह बहुत पवित्र महीना है, महादेव को समर्पित महीना है। इसीलिए सभी व्रत इसी महीने से शुरू करें। हो सके आप और भी व्रत करना चाहते हैं तो उनकी शुरुआत यदि आप सावन माह से करते हैं तो वह भी बहुत अधिक फलदायी होता है, क्योंकि यह महीना देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है और महादेव बहुत ही दयालु हैं, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सावन सृजन का महीना है और सृजन के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव जरूरी है। सावन हर दिन व्रत और पर्व को समर्पित होता है, क्योंकि शक्ति से ही शक्तिमान है। इस कारण शंकर की पूजा सावन के हर सोमवार को, हर मंगलवार को गौरी का व्रत का अनुष्ठान होता है। मंगलवार को होने वाले इस गौरी मंगला व्रत में भी कहा जाता है शक्ति के साथ शिव कल्याणकारी हों, अर्थात सोमवार को महादेव का वार, मंगलवार को मंगला गौरी अर्थात माँ पार्वती का वार। इसलिए
सावन पूरी तरह से शिव शक्ति को समर्पित महीना है। इसीलिए सावन में जितना हो सके आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, क्योंकि जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, वह इस माह में दूर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा से। आप किसी कारणवश बहुत ही बिजी हैं, नहीं कर पा रहे कुछ भी, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो बस सुबह स्नान से निवृत्त हो करके बस भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दें और एक बिलपत्र चढ़ा दें, उससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए यदि आप महादेव की कृपा चाहते हैं तो प्रसिद्ध तीर्थों पर जाकर और भगवान शिव के शिवलिंग को जल अर्पित अवश्य करें। यदि आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही एक मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उस पर जल अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें, और उसी जल में उसको फिर से समाहित हो जाता है। आप जल डालोगे, वह विग्रह उसी में समाहित हो जाएगा। अगले दिन फिर वही मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। यह बहुत ही विशेष लाभकारी उपाय है। आप करिए, नहीं कर सकते 11-21 दिन अवश्य कीजिए। हर इससे भी इतना भी नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार को कीजिए। यकीन मानिए, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। महादेव आपकी अवश्य सुनेंगे। जो आप अब तक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपके जीवन में संकट हैं, यदि आप ये उपाय कर लेते हैं सावन मास में, यकीन मानिए महादेव की कृपा दृष्टि ऐसी होगी, आपको स्वयं को अपने ऊपर यकीन नहीं होगा। ऐसा है सावन मास का पवित्र महीना। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा करती हूँ महादेव के भक्तों को यह कथा, यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन और ऑन कर लें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।